पाली जिले के रायपुर उपखंड क्षेत्र के मेसिया ग्राम के विरधाराम सीरवी को प्रज्ञा समिति रायपुर के अध्यक्ष चुने जाने पर भव्य स्वागत किया गया। रायपुर के 23 गांवों के सीरवी समाज के प्रज्ञा समिति के अध्यक्ष पद पर पहली बार निर्वाचित होने वाले विरधाराम सीरवी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य का खेड़ा मामा के जिम्मेदारी मोहनलाल खमण के नेतृत्व में भव्य स्वागत और बहुमान किया गया। इसी तरह खेड़ा मामावास के राजस्थान शिक्षक संघ के जिला मंत्री बाबूलाल कुमाऊत ने भी उन्हें साफ पहनाकर बहुमान किया। इस अवसर पर विरधाराम सीरवी ने बताया कि परंपरागत रूढ़ियों को मिटाने तथा समाज के लिए नई शिक्षा नीति के साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा तथा समाज में तरक्की और विकास के लिए युवाओं को जरूरत को महसूस करते हुए नवयुक्त मंडल को भी तैयार करके उनके दायित्व को निर्धारित किया जाएगा ताकि प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक गांव में उन्हीं के आधार पर नई योजना तैयार की जाएगी। साथ में समाज में प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिभावान समारोह आयोजित किए जाएंगे। सरकारी योजना का समाज के प्रत्येक तबके को लाभ मिले इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर डावराम राठौड़, गोपीलाल गहलोत, हरजीराम पंवार, आसूराम, अमराराम काग, मांगीलाल हामड़, अनाराम सीरवी, ओगटराम सीरवी आदि उपस्थित थे। हाल ही में हुए चुनाव में विरधाराम को रायपुर क्षेत्र सीरवी समाज के प्रज्ञा समिति के अध्यक्ष बनाया गया। नई कार्यकारिणी गठित की गई, इसमें मोहनलाल सीरवी को भी इसका सदस्य बनाया गया। उनका भी साफा पहनाकर पुष्पहार से अभिनंदन किया गया।